हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी एक स्किन टोनर का, जो कि है जोविस का स्किन टोनर। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट, आप देख सकते हो। यस, ये मेरे पास है रोज़ वेरिएंट में। इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं, एक इसमें क्यूकम्बर वेरिएंट भी आता है, जो समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। इसका नेट वॉल्यूम या फिर इसकी क्वांटिटी है 200 ml। यस, ओके। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स एंड इट रिटेल्स फॉर 215 bucks। इसको मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही परचेज करा था। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ये इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। जो इसके एक्टिव, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, पीच एक्सट्रैक्ट, लेमन ग्रास एंड कैमोमाइल। तो जैसे कि आप सबको पता ही होता है कि जो रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट और पीच एक्सट्रैक्ट होता है, ये तो हमारी स्किन के लिए हेल्पफुल होते ही होते हैं। बट कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि कैमोमाइल और लेमन ग्रास का हमारी स्किन के लिए क्या बेनिफिट है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जो कैमोमाइल होता है, वो बहुत अच्छे से फाइट करता है हमारे एक्नेस, स्कार्स, ब्रेकआउट्स के साथ। जो हमारी स्किन पे एक्नेस होते हैं, उनको कैमोमाइल बहुत अच्छे से डील करता है। तो ये एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बेस्ट टोनर है। ओके, अब लेमन ग्रास की बात करते हैं। लेमन ग्रास में एस्ट्रिंजेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो लेमन ग्रास भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और कैमोमाइल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इसलिए ये कैमोमाइल और लेमन ग्रास हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत ही अच्छा एक नेचुरल टोनर है। तो चलिए अब पैकेजिंग की बात करते हैं। ये एक क्लियर प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आता है। प्लास्टिक बॉटल है इसकी, प्लास्टिक कंटेनर है, और ये ऐसे इसके साथ एक लिड आता है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये एक स्प्रे बॉटल है, आप अपने बैग वगैरह में इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। ट्रैवल फ्रेंडली है, इसके गिरने का, टूटने का, लीक होने का कोई डर नहीं है, तो ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं। गाइस, मेक श्योर समर्स में आपकी स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए, जिसको आप रोज फॉलो करो। तो एक स्किन केयर रूटीन होती है, CTM होता है, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि CTM क्या होता है। बट अपनी स्किन केयर रूटीन में आपको टोनर ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़े बेनिफिट्स बता देती हूँ कि टोनर यूज़ करने के क्या बेनिफिट हैं। तो टोनर जब हम यूज़ करते हैं, ये हमारी स्किन के जितने भी डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, उनको बहुत अच्छे से हील करता है, बहुत अच्छे से उन टिश्यूज़ के साथ डील करता है टोनर। और सबसे अच्छा इसका जो मेन इसका होता है, हम बोल सकते हैं कि टोनर का जो मेन जो वर्क होता है, वो होता है हमारी स्किन की ओपन पोर्स को टाइटन करना। जो ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोगों में। तो ओपन पोर्स को काफ़ी हद तक डील करता है, टाइटन करता है ओपन पोर्स को, स्किन को टाइटन करता है टोनर। तो आपको टोनर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना ही चाहिए। और ये रोज़ टोनर है, बहुत अच्छा है स्किन के लिए। और जो टोनर होता है गाइस, टोनर का एक और भी मेन, ये मॉइस्चर को, स्किन मॉइस्चर को लॉक करके रखता है टोनर। तो स्किन को ज़्यादा ड्राई आउट भी नहीं होने देता, और स्किन में एक्सेस ऑयल भी नहीं रहने देता। और ये स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। स्किन का पीएच लेवल जब ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमारी स्किन डल डैमेज होने लग जाती है। तो टोनर का मेन काम होता है स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करके रखना। तो प्लीज़ कोई अच्छा सा टोनर यूज़ करा कीजिए। आप चाहो तो DIY टोनर भी बना सकते हो। अगर आपको DIY टोनर्स की रेमेडी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अदरवाइज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप ये टोनर भी यूज़ कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो प्लीज़ मस्ट ट्राई और शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। और अगर आपको ये अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।